हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। ठीक, तो पहला है हमारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल। तो याद रखिए ये रूस द्वारा दिया गया है सेंट एंड्रयू पुरस्कार। आपको बता दें रूस का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। पीएम मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत और विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। फिर हमारा जायद मेडल या ऑर्डर ऑफ जायद, ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया है UAE द्वारा। आपको बता दें UAE का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। पीएम मोदी के लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि UAE ने उन्हें ये सम्मान उस वक्त दिया जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। उसने मुस्लिम देशों से भी सहयोग मांगा था लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले भारत के पहले, याद रखिए भारत के पहले और कुल 17 व्यक्ति हैं। उनसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ सेकंड और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिर है हमारा अगला है सेओल शांति पुरस्कार, ये दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया है। ये पुरस्कार भारत में अमीर और गरीब के बीच सामाजिक व आर्थिक अंतर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के चलते उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, सेवोल शांति पुरस्कार। याद रखिए मोदी ये सम्मान पाने वाले 14वें व्यक्ति हैं। 2018 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कॉफी अन्नान को ये पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के लिए दुनिया भर से कुल 1300 लोग नामित हुए थे। इनमें से केवल 150 लोगों का ये पुरस्कार के लिए चयन हुआ था। चयन समिति ने पीएम मोदी को द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द 2018 सियोल पीस प्राइज कहा था। इस पुरस्कार की स्थापना 24वें ओलंपिक खेलों की सफलता के उपलक्ष्य में वर्ष 1990 में की गई थी। याद रखिए ये पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो याद रखिए ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत दिया गया है और साथ में एमिनुअल मैको को मिला है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में, कब 2005 में की थी। ये सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले लोगों को वर्ष में एक बार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए पूरी दुनिया से पाँच से सात लोगों को चयन करता है। पीएम मोदी यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सौर गठबंधन को लेकर अग्रणी एवं उत्साही कार्यों के लिए और पर्यावरणीय कार्यों में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, याद रखिए ईवेन द्वारा दिया गया है और साथ में कोचीन हवाई अड्डे को भी दिया गया है पुरस्कार। अब बात करते हैं हम लोग, अगला है हमारा फिलिप कोटलर प्रेजिडेंशियल पुरस्कार। तो ये अमेरिका का है, अमेरिका द्वारा दिया गया है।
प्रोफेसर फिलिप कोटलर अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग के लिए प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। बीमारी की वजह से प्रोफेसर कोटलर ने अमेरिका के जॉर्जिया में एमोरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जगदीश सेठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान के लिए भेजा था। पीएम मोदी को नई दिल्ली में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। ये सम्मान हर वर्ष देश के सबसे लोकप्रिय नेता को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन देश को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए दिया गया है। याद रखिए, फिलिप कोटलर प्रेजिडेंशियल पीपल्स प्रॉफिट प्लानेट पीपीपी। अगला है हमारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। तो आप याद रखिए, फिलिस्तीन का है। विदेशी मेहमानों व राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला ये पुरस्कार फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले चौथे विदेशी मेहमान हैं। उनसे पहले 2015 में सऊदी अरब के किंग सलमान, 2017 में बहरीन के किंग हमाद और 2017 में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया जा चुका है। आपको बता दें, आधिकारिक यात्रा करने वाले फिलिस्तीन की पीएम मोदी फर्स्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं। अगला है हमारा किंग ऑफ किंग अब्दुल अजीज शेष, ये सऊदी अरब का है। सऊदी अरब द्वारा गैर मुस्लिम को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम आधुनिक सऊदी अरब के नींव रखने वाले किंग अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम पर रखा गया है। पीएम मोदी पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापान के प्रधानमंत्री एवी शिंजो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किंग अब्दुल अजीज शेष। अगला है अब हमारा आमिर अमानुल्ला खान अवार्ड, ये अफगानिस्तान का है। इसका नाम दूसरा नाम है इसका, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान। ये अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पुरस्कार है। ये पुरस्कार उस वक्त दिया गया है जब पीएम मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर थे। अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने उन्हें ये सम्मान दिया था, अवार्ड। इस पुरस्कार का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रीय नायक और राजा अमानुल्लाह खान के नाम पर रखा गया है, जो अफगानिस्तान के स्वतंत्रता के शूरवीर थे। अफगानिस्तान सरकार ने इस पुरस्कार का साल 2006 में गठन किया था। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले 8वें राष्ट्राध्यक्ष हैं। उनके पहले ये सम्मान पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और नाटो जनरल जेम्स जोनस को दिया जा चुका है। अगला है हमारा निशान इजुद्दीन, ये मालदीव का है। मालदीव द्वारा विदेशी मेहमानों व राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार पाने वाले पीएम मोदी 7वें शख्स हैं। फिर है हमारा लास्ट है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये बहरीन का है। बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बहरीन के शाह हैं हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने उन्हें सम्मान से नवाजा है। भारत बहरीन के बेहतरीन रिश्तों के लिए
उन्हें ये सम्मान दिया गया है। अन्य उपलब्धियों की बात कर लें, यही नरेंद्र मोदी को अन्य उपलब्धियाँ जो सम्मान मिले, मार्च 2012 में टाइम मैगजीन ने एशिया एडिशन में उन्हें कवर पेज पर जगह दी थी। 2014 व 16 में वह टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। 2015 में पीएम मोदी फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा विकसित विश्व के महान नेताओं में पांचवें स्थान पर थे। जुलाई 2018 में मोदी ट्विटर पर तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स बने। 2014 में फोर्स मैगजीन ने पीएम मोदी को दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया है। 2015, 16 और 2018 में फोर्स मैगजीन ने ही पीएम मोदी को दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया। 2016 में पीएम मोदी की उपलब्धियों को और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में उनका मोम पुतला लगाया गया। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे पीएम मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में।